ओके दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो किसी के भी एनिवर्सरी में कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करके विश करना? तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को सिखाऊंगा इस तरह का आपको एनिवर्सरी वाला स्टेटस वीडियो किस तरह से क्रिएट करना है। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। अगर दोस्तों आप लोग मेरे से अगर कोई भी वीडियो एडिटिंग क्रिएट करवाना चाहते हो तो दोस्तों मुझे कॉमेंट या इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करना, या दोस्तों आप लोग इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपली से आपको क्या करना है, काइनमास्टर ओपन करना है और इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करके 1:1 रेशियो को सिलेक्ट करना है। नीचे आपको क्रिएट में क्लिक करना है और एक बार बैक आ जाने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। आपको लेफ्ट साइड के मिडिल ऑप्शन में सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करके नीचे एडिटिंग में आना है और आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग आपको कर लेना है। करने के बाद आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया ऑप्शन में जाके कम से कम 12 फोटो ऐड करना है 30 सेकंड वीडियो के लिए। तो फोटो ऐड करने के बाद आपका वीडियो का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। अगर फोटो ऐड करने के बाद अगर आपका फोटो का साइज कुछ इस प्रकार से आ रहा है, मतलब फ्रेम में एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो फोटो में क्लिक करना है। पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाके आपको फोटो को कुछ इस प्रकार से आपको जूम करना है। जूम करने के बाद आपको डबल एन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जैसे सभी फोटो को एडजस्ट करोगे इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस बेल आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं इस वीडियो में अर्बन रेड ट्रांजेक्शन इफेक्ट यूज़ करूँगा। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ट्रांजेक्शन इफेक्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, एक एक करके सभी प्लस बेल आइकन में अर्बन रेड ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करना है। ये वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट अगर आपका काइनमास्टर में नहीं है तो आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपली से प्लस बेल आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको होम वाला जो आइकन दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपका नेट ऑन करके दोस्तों यहाँ पर आपको जो सर्च ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों आना है और जो भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है सिंपली से आपको यहाँ पर आपको ठीक से नाम देख लेना है। नाम देखने के बाद जैसे सर्च करोगे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से सभी फोटो में आपको ऐड करना है। तो मैं फटाफट से वीडियो के एंड तक ऐड कर लेता हूँ। तो सभी फोटो में आपको अर्बन रेट आपको ट्रांजेक्शन पे डेट करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको फर्स्ट फोटो में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट फोटो का लेंथ आपको थोड़ा कमा लेना है कुछ इतना दूर तक, ठीक है। इतना दूर तक कमाने के बाद आपको चले जाना वीडियो के एंड पोजिशन में। एंड पोजिशन का जो फोटो है दोस्तों इसका लेंथ आपको करीब 30 सेकेंड के आसपास रखने के बाद आपको इसको राइट साइड आपको ट्रिम करना है, ठीक है। राइट साइड आपको ट्रिम करने के बाद आपको आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजिशन में। मतलब दोस्तों स्टार्टिंग पोजिशन नहीं आना है, जो कि आपको इस एरो में क्लिक करके इस वीडियो को आपको पहले सेव कर लेना है रेजोल्यूशन आपको थोड़ा बढ़ा के, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे वीडियो सेव हो जाएगा उसके बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है, जो कि मैं पहले से ही वीडियो को सेव कर चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के थोड़ा बगल में 3 डॉट मिलेगा, इसमें क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट में क्लिक करना है। आपको 16:9 रेशियो को सिलेक्ट करना है और नीचे ही डुप्लीकेट में क्लिक करना है। आपको फिर से पहले वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सभी फोटो फ्रेम में एडजस्ट नहीं है, तो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ। फोटो में क्लिक करके पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाना है और 2 उंगली से फोटो को जूम करना है और डबल एन में क्लिक कर लेना है, तो फोटो एडजस्ट हो जाएगा फ्रेम में, ठीक है। इसी प्रकार से आपको वीडियो के एंड तक आपको कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो सभी फ़ोटो को मैं एडजस्ट कर चुका हूँ फ्रेम में। उसके बाद आपको वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आके ट्रांजेक्शन इफेक्ट में क्लिक करना है। अर्बन रेड ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको चेंज करके क्लासिक ट्रांजेक्शन में आना है और जूम आउट वाला सिलेक्ट करना है। जितना आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट दोस्तों है सभी ट्रांजेक्शन इफेक्ट को आपको चेंज करके आपको जूम आउट वाला सिलेक्ट करना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी फोटो में ट्रांजेक्शन इफेक्ट को चेंज कर चुका हूँ। उसके बाद आपको फोटो में क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको जो विग्नेट का ऑप्शन मिल रहा है इस विग्नेट को आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। ऑन करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग पोजिशन में आ जाना है। लेयर ऑप्शन में जाके इफेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपको बेसिक इफेक्ट में जाके ब्लर वाला इफेक्ट को ऐड करना है और ब्लर को आपको वीडियो के चारों ओर इस तरह से ले लेना है। सेटिंग ऑप्शन में जाके इसका लेंथ ही रखना है और आपको इसका लेंथ कर लेना है वीडियो के एंड तक। वीडियो के एंड तक आपको इसका लेंथ करने के बाद आपको वीडियो की स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। लेयर ऑप्शन में जाके आपको मीडिया ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको एनिवर्सरी वाला टेम्पलेट वीडियो को ऐड करना है। एनिवर्सरी वाला टेम्पलेट वीडियो आपको किस तरह से डाउनलोड करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। आपको उसके बाद आपको कर लेना है नीचे ब्लेंडिंग ऑप्शन में क्लिक और आपको स्क्रीन करना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो को ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेम्पलेट के अंदर जो आपको फ्रेम दिख रहा है, इस फ्रेम के बॉर्डर के साइज मुताबिक आपको इस वीडियो को थोड़ा जूम करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इतना दूर जूम करने के बाद थ्री डॉट में क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो नीचे साइड थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको क्रॉपिंग ऑप्शन में जाके इसका साइज आपको थोड़ा अच्छे से आपको क्रॉप कर लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इतना दूर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो दो फ्रेम मिल रहा है यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपली से आपको क्या करना है, लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद जो भी फोटो आपको फ्रेम में बैठाना है अपने गैलरी से यहाँ पर एक फ़ोटो को आपको ले लेना है, ठीक है। तो सिंपली से यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को ले लेता हूँ। फोटो को लेने के बाद आपको क्रॉपिंग ऑप्शन में जाके मार्जिन करना है, शेप्स में जाके आपको एक गोल वाला शेप्स को ऐड करना है। एक बार आपको बैक आ जाना है, उसके बाद फोटो को आप चाहो तो जूम कर सकते हो अगर एडजस्ट नहीं हुआ है तो, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से फोटो का साइज आपको थोड़ा छोटा कर लेना है और छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको गोल वाला फ्रेम मिल रहा है इस फ्रेम के ऊपर आपको अच्छे से फोटो को बैठाना है। आपको थ्री डॉट में क्लिक करके इसको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। करने के बाद आपको इसका लेंथ करीब वीडियो के एंड तक आपको ले चले जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक फोटो को और आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं दोनों फोटो को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर चुका हूँ और एडजस्ट करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आना है और आपको लेयर ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट ऑप्शन में आना है और आने के बाद यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है जिसके नाम से वाला एनिवर्सरी वीडियो एडिट कर रहे हो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको उसका नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो सिंपली से मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ। तो नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको डबल ए में जाना है और यहाँ पर आपको कोई भी एक अच्छा सा स्टाइलिश फ्रेंड आपको सिलेक्ट करना है, तो सिंपली से मैं ए वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडिट में जाना है और आपको यहाँ पर दो बगल आपको स्पेस दे देना, ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको लेटर का टेक्स्ट नहीं कटे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको मिलेगा आउटलाइन, इसमें क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है, इसको आपको प्लस 15 की जगह प्लस 1 करना है, ठीक है। आपको ब्लैक कलर में क्लिक करके इसको व्हाइट करना है और एक बार बैक आ जाना है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन में आना है, ठीक है। टेक्स्ट ऑप्शन में आने के बाद इसका लाइन आपको थोड़ा मतलब दोस्तों माइनस कर लेना है, -8 के करीब। 8 के करीब करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करना है और जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इस जगह पर बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको पकड़ के वीडियो के एंड तक आपको ले जाना है। आपको उसके बाद आ जाना है वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में, आपको ऑडियो ऑप्शन मिलेगा और सॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो भी सॉन्ग आपको एनिवर्सरी के लिए बेटर लगता है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे प्लस वाला आइकन में क्लिक करोगे नीचे सॉन्ग ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप वीडियो को प्ले करोगे वीडियो आपका भी मेरे तरह इस प्रकार से रेडी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका वीडियो इस प्रकार से अगर रेडी नहीं हो रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, अगर इस वीडियो को आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।